राज्य में बजट न आने पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरु बजट कख गे। उन्होंने कहा कि पीएम को भी बजट के लिए एक पत्र भेजा गया है और गृह मंत्रालय में भी इस बारे में गुहार लगाई जा रही है। मैं इस समय एक बहुत चिंतित मुख्यमंत्री हूं और जगह जगह से एक ही गुहार लगा रहा हूं, मोदी जी से भी लगा रहा हूं और सभी पक्षों से भी लगा रहा हूं कि मेरु बजट कख गए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय से भी संपर्क कर रहे, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र जा रहा है। साथ ही उन्होंने राज्य के विकास के लिए भाजपा का सहयोग मांगा है। उनका कहना है कि वर्ष 2017 में स्थानीय नागरिकों को कोई कष्ट ना झेलना पड़े, इसके लिए दोनों पार्टियों का सहयोग जरूरी है। राज्य के व्यापक दीर्घकालिक हित में कुछ मोटे मोटे बिंदुओं को छांट लेना चाहिए, चयनित कर लेना चाहिए, जिसमें हम एक मोटी सहमति घोषित और अघोषित तरीके से अपने आचरण में प्रकट करें, परिलक्षित करें। क्योंकि यहाँ दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस और भाजपा, हम चुनावी और राजनीतिक बिंदुओं को एक तरफ रख सकते हैं और जो स्थानीय हित के बिंदु हैं, राज्य के हित के बिंदु हैं, उनको एक तरफ रख सकते हैं। तो हम इसको भी एक अप्रिय प्रसंग मान करके भूल जाएं और आगे की तरफ बढ़ें, मैं चाहता हूं, क्योंकि भाजपा केंद्र में सत्तारूढ़ है मैं राज्य के विकास में उनका सहयोग चाहता हूं और ये सहयोग की प्रार्थना मैं उस समय कर रहा हूं जब चुनाव 6-7 महीने की दूरी पर है। बहुधा ऐसे समय में सहयोग की कामना नहीं की जाती है, लेकिन मैं यहाँ भी उनसे सहयोग मांग रहा हूँ ताकि आगे के लिए वर्ष 2017 के बाद का जो उत्तराखंड हो, उस उत्तराखंड के लिए संसाधनों का टूटा न रहे, वो कठिनाइयाँ न रहे जो कठिनाइयाँ इस समय हमको झेलनी पड़ रही। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बजट का दस्तावेज होगा वो साझा होगा और मैं समझता हूँ कि अब भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम राजनीति से आगे बढ़ करके एक स्टेट्समैनशिप दिखाएं और मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से कहने को तैयार हूँ कि अब जो ये बजट का दस्तावेज होगा इस साल का, वो हमारा और उनका साझा होगा। देवभूमि न्यूज़ के लिए देहरादून से पवन नेथानी।